दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों कल मेरा एक फ्रेंड जो यहाँ से एग्जिट गया है, और उसके एग्जिट जाने से पहले उसे एयरपोर्ट पे 500 रियाल जमा भी करना पड़ा। तो उसे 500 रियाल क्यों जमा करना पड़ा, क्या कारण था 500 रियाल जमा करने का, तो ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आप भी छुट्टी जा रहे हो या एग्जिट जा रहे हो तो आज का वीडियो पूरा देखें, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज, और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह से यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बात यह है कि उसका कामा पे 500 रियाल का बिल बाकी था, जो कि उसको नहीं मालूम था कि उसका कामा पे 500 रियाल का बिल बाकी है, क्योंकि दोस्तों ये बिल उसका नहीं था, किसी और का बिल था। अगर आप सऊदी अरबिया में रहते हैं दोस्तों, आपको पता है कि कहीं छोटे मोटे दुकान से या फुटपाथ से अगर आप सिम ले लेते हैं अपना काम देख के, उसके बाद क्या परेशानी होती है दोस्तों, फिर आपके काम से पता नहीं कितना सिम निकलने लगता है। तो उसके साथ भी दोस्तों यही केस हुआ, उसका काम पे किसी और ने सिम चलाया, बिल जो बाकी था उसने बिल जमा नहीं किया, बिल जो इसके नाम से फटी। तो दोस्तों अगर आपको इस चीज का पहले से जानकारी हो जाएगा दोस्तों कि आपको सिम पे किसी तरह कोई बिल बाकी नहीं है, तो आपको फिर एयरपोर्ट पे इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप इस चीज को कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपका काम पे कोई बिल बाकी है या नहीं बाकी। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है अलरजी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर अलरजी बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसमें आराम से मालूम कर सकते हैं कि आपका काम पे कोई बिल बाकी है या नहीं बाकी। तो दोस्तों मैं अभी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूंगा और मैं दिखलाऊंगा कि आप अलरजी बैंक एप्लीकेशन में कैसे अपना काम पे किसी बिल को चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों चलिए सबसे पहले अभी अलरजी एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ये रहा अलरजी एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। ओके, मेरा ओटीपी आ गया है, लॉग करते हैं। आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अभी करना क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना कामा पर नंबर चेक करना है कि आपके नंबर पे कोई बिल बाकी है या नहीं बाकी है, और अगर आपके पास में अलर्जी वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आप अपने दोस्त के पास में भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपके दोस्त को चेक करना है कि उसके अकामा पे नंबर पे कितना बिल है, अगर उसके पास में अलर्जी एप्लीकेशन नहीं है, अगर आपके पास में है तो वो आपके मोबाइल पे भी चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ पेमेंट एंड बिल, इस पर क्लिक करिए। अभी दोस्तों आप देख रहे हो सबसे ऊपर लिखा हुआ ऐड न्यू बिल, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाए। देखिए सबसे टॉप में लिखा हुआ दोस्तों टेलीकॉम एंड इंटरनेट, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नंबर डालने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप नंबर डाल रहे हैं तो वो किस कंपनी का है, मोबाइल का है, एसटीसी का, वर्जिन है, जेन है, ठीक है, किस कंपनी का, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके अकामा पे कितना सिम अभी चल रहा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है दोस्तों कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकामा पे अभी कितना नंबर इशू किया गया है। तो दोस्तों अभी आपको मालूम है कि आपका सिम किस कंपनी का है, तो पहले आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मोबाइल, एसटीसी, जेन, जिस भी कंपनी का आपका सिम है उस कंपनी पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मेरा मोबाइल का सिम है तो मैं मोबाइल सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ओके दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे मेरे नंबर पे 45 रियाल 98 हलाला का बिल आया हुआ है जो मुझे जमा करना है, ठीक है। अब मैं अपना एक दोस्त का नंबर चेक कर लेता हूँ। मैंने अपना दोस्त का नंबर लिख दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त के नंबर पे कितना ड्यू अमाउंट है, 387 रियाल 3 हलाला। दोस्तों ये जो अमाउंट है उसका इंटरनेट का बिल का अमाउंट है, ठीक है, वो अपना आजकल में जब भी अपना बिल जमा करेगा तो ये अमाउंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही सेम प्रॉब्लम मेरे दोस्त के साथ में भी हुआ था जो एग्जिट गया, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, उसके अकामा पे भी इस तरह का बिल जो बाकी था, लेकिन प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि ये बिल उसका नहीं था, किसी और का बिल था, और उसको मालूम भी नहीं था कि उसका अकामा पे ये बिल आया हुआ है। तो इसीलिए आप दोस्तों पहले से यहाँ कंफर्म हो जाइए, अपना नंबर डाल आप चेक कर लीजिए कि आपके अकामा पे किसी तरह का बिल बाकी तो नहीं है, ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई परेशानी ना हो।
तो दोस्तों ये था बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका कामा पे कोई बिल बाकी है या नहीं बाकी है। दोस्तों अगर आप एग्जिट जा रहे हो तो इस चीज़ को लाजिम कर लीजिएगा, ताकि आपको एयरपोर्ट पे किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या मन में किसी तरह का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट जितना जल्दी हो सके दोस्तों मैं रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।